नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। महामारी के इस दौर में भी हमारे किसान भाइयों ने कृषि के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया है। अपने किसान भाई बहनों को समर्पित इस कार्यक्रम कृषि दर्शन में इसीलिए हम मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव। जी हाँ, ताकि हमारे किसानों के आर्थिक विकास को बल मिल सके। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे कि किस तरह से कृषि के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ रहा है। इसके बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थी से, साथ ही जानकारी देंगे कि कैसे कुपोषण का इलाज किया जा सकता है माइक्रोग्रीन से। इसके अलावा वो किसान जिन्होंने तिलहनी फसल ली है उनके लिए होगी कृषि सलाह भी, और अंत में जानकारी देंगे रबी फसलों में एमएसपी में बढ़ोतरी के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। सबसे पहले नज़र विज्ञान और किसान पर, उसके बाद कृषि स्टार्टअप, और अंत में बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं विज्ञान और किसान से। क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है और इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल रहा है। यानी कृषि में लगातार जलवायु परिवर्तन का हस्तक्षेप बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके नकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। अगर बीते 60 सालों की बात करें तो इस दौरान ओलावृष्टि की सबसे अधिक घटनाएं हुई हैं। वहीं साथ ही तटीय इलाकों में जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। जी हाँ, अगर समुद्र के जलस्तर की बात करें तो बीते 50 सालों में इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। संकेत साफ है कि भविष्य में कई तरह की चुनौतियां सामने आ सकती हैं और भारत की जलवायु भी गर्म हो सकती है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। विशेषज्ञ 2050 तक तापमान में 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि का अंदाजा लगा रहे हैं। बारिश के पैटर्न में पहले ही बदलाव आने शुरू हो गए हैं। आने वाले समय में ये बदलाव और व्यापक होंगे, खासतौर से जलीय वनों, तटवर्ती इलाकों और पर्वतमालाओं जैसे प्राकृतिक संसाधन बुरी तरह प्रभावित होंगे। इसका भारत की अर्थव्यवस्था और विकास यात्रा पर बहुत असर पड़ने वाला है, क्योंकि देश की 70% आबादी आजीविका के लिए इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। जलवायु परिवर्तन की मुख्य वजह ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है। भारत में ये तथ्य प्रमाणित है कि पिछले 50-60 साल के दौरान बारिश में कमी आई है। 20वीं सदी की शुरुआत में 141 सेंटीमीटर बारिश होती थी, जो 1990 के दशक में घटकर 119 सेंटीमीटर रह गई। उत्तर भारत में हर 3 साल में सूखा पड़ता है और गंगोत्री के ग्लेशियर 30 मीटर सालाना की दर से पिघल रहे हैं। गंगा गंगोत्री से ही निकलती ग्लेशियरों का यूं पिघलकर सूखने का मतलब है कि एक दिन गंगा भी सूख जाएगी। हमारे देश में 67% खेती आज भी बारिश पर निर्भर करती है। ओलावृष्टि, असमय बरसात, सूखा, बाढ़ की स्थिति और चक्रवातों का आना, ये सब खेती को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाले हैं। असमान बारिश पहले ही फसलों को नुकसान पहुंचाने लगी है। अगर यही हाल रहा तो 2050 तक मानसून के दौरान होने वाली बारिश में 70% तक की गिरावट आ सकती है। जाहिर है इससे खेती पर बहुत बुरा असर होगा। अनुमान तो ये भी है कि आने वाले 70 साल में खरीफ मौसम का औसत तापमान 0.7 से 3.3 डिग्री तक बढ़ सकता है। इसके कारण धान के उत्पादन में 15% और रबी गेहूं की उपज में 22% की कमी आएगी। दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन का कहना है कि 2050 तक दुनिया को बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए 2 गुने खाद्यान्न का उत्पादन करना होगा। ऐसे में गर्म होती धरती खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को पीछे धकेल सकती है। वैसे भी यूरोपीय आयोग के संयुक्त अनुसंधान की रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया की आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है उस रफ्तार से खाद्यान्न का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा कृषि योग्य भूमि की उपजाऊ क्षमता में भी कमी आ रही है। हमारे देश में 12 करोड़ हेक्टेयर जमीन किसी न किसी तरह कमजोर हो रही है। यूरोपीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन की वजह से प्रदूषण, भूक्षरण और सूखे की समस्या हो रही है। इससे पृथ्वी के 3/4 भूमि क्षेत्र की गुणवत्ता कम हो गई है। ऐसे में संरक्षित खेती, जलवायु स्मार्ट कृषि और शुष्क खेती को बढ़ावा देने की जरूरत है और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की भी। तो
अभी हमने जाना जलवायु परिवर्तन की समस्या के बारे में। आने वाले समय में कई तरह की चुनौतियां मुंह उबाए खड़ी हुई हैं। बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मॉनसून का सीजन है, हर तरफ बारिश हो रही है। ऐसे में उन फसलों के लिए विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है जिनमें पानी जमा होने से कई तरह की कीट और बीमारियों की समस्या पैदा हो सकती है, और उन्हीं में से एक है तिलहनी फसलें। जी हाँ, जिन किसानों ने तिलहनी फसलें ली हैं वो किस तरह की फसल प्रबंधन की तमाम बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं। तिलहन वे फसलें हैं जिनसे तेल प्राप्त किया जाता है। तिलहन के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में तीसरा है। सूरजमुखी, तिल, सोया और मूंगफली तिलहनी फसलों में प्रमुख हैं। तिलहनी फसलों के लिए हल्की या दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, ऐसी मिट्टी जिसमें अम्लीय और क्षारीय स्तर को सहन करने की क्षमता है। सूरजमुखी की खेती करते समय कुछ बातों का खास ख्याल रखें, जैसे जिस खेत में सूरजमुखी की खेती की जाए उसमें जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही सूरजमुखी से अधिक उपज लेने के लिए मधुमक्खी के डिब्बों को खेत के किनारे रखें। मधुमक्खी पालन ना करने की स्थिति में सूरजमुखी में अच्छी तरह फूल आ जाने पर हाथ में दस्ताने पहनकर या किसी मुलायम रोएदार कपड़े को लेकर फूल के मोड़क पर चारों ओर धीरे से घुमा दे। ये क्रिया प्रातः काल 7:30 बजे तक करें। सूरजमुखी में हेड रॉट, जिसमें पहले तने व फिर मुंडकों पर काले धब्बे बनते हैं, उसकी रोकथाम के लिए मुंडक बनते समय उचित दवाओं का छिड़काव करें। मुंडकों को चिड़ियों से बचाने के लिए रंगीन चमकीली पन्नियों को फसल के आधे से 1 मीटर ऊपर बांधकर सुरक्षा करें। सोयाबीन व सूरजमुखी की फसल में वर्षा न होने की स्थिति में फूल व फली बनते समय आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें। सोयाबीन में पीला मौजिक बीमारी की रोकथाम के लिए प्रभावित पौधों को निकालकर विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तंबाकू की इल्ली एवं रोएदार इल्ली छोटी अवस्था में झुंड में रहकर एक ही पौधे की पत्तियों को खाती है। इस प्रकार के पौधों को नष्ट कर देने से इनके प्रकोप से बचा जा सकता है। जरूरत पड़ने पर रासायनिक कीटनाशक का उपयोग करें। पत्ती खाने वाली इल्लियों के नियंत्रण के लिए जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करना उचित रहेगा। मूंगफली में खूंटियां बनते समय तथा फलियां बनते समय खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। अधिक वर्षा होने की स्थिति में खेत में जल निकास की व्यवस्था करें। मूंगफली में टिक्का बीमारी की रोकथाम के लिए जिंक मैग्नीज कार्बोमेट 2 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में घोलकर 10 दिन के अंतराल पर 1-2 छिड़काव करें। यदि बरसात ना हुई हो तो फूल निकलते समय व दाना बनते समय भूमि में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई अवश्य करें। बात अगर तिल की फसल की जाए तो इसमें झुलसा रोग लगने का खतरा होता है, ऐसे में विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तिल की पत्तियां जब पीली होकर गिरने लगे तथा पत्तियां हरा रंग लिए हुए पीली हो जाए तब फसल पककर तैयार हो जाती है। इसके बाद कटाई पेड़ सहित नीचे से करनी चाहिए। कटाई के बाद बंडल बनाकर खेत में ही जगह जगह पर छोटे छोटे ढेर में खड़े कर देना चाहिए। जब अच्छी तरह से पौधे सूख जाए तब डंडे की सहायता से पौधों को पीटकर या हल्का झाड़कर बीज निकाल लेना चाहिए। जिन किसानों ने तिलहनी फसलें ली हैं वो जल निकासी की व्यवस्था ज़रूर करें। इसी के साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की, बने रहे आप कृषि दर्शन के साथ। छोटा सा ब्रेक। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें।
श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। भारत सरकार कृषि और किसान संबंधी योजनाओं और कार्यक्रमों में हमेशा ही योगदान देती आई है ताकि कृषि में सकारात्मक बदलाव देखे जा सके। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में और बताएंगे आपको इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। साथ ही आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसे किसान से जो कि इस योजना का लाभार्थी है और कैसे उन्होंने इस योजना का लाभ उठाया और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखा। आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। मकसद था आसान प्रीमियम दर पर अलग अलग तरह के जोखिमों से किसानों को सुरक्षा प्रदान करना। इस योजना में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, उड़द, अरहर और सोयाबीन के अलावा तिल, धान, कपास, मोठ और मूंगफली जैसी फसलों का बीमा किया जा सकता है। अगर आप अपनी किसी फसल का बीमा कराना चाहते हैं तो 31 जुलाई तक पंजीकरण जरूर करा लें। बीमा कराने के लिए आपका भू स्वामी होना जरूरी नहीं है। पट्टेदार और जोतदार सहित सभी किसान इसके पात्र हैं। फसल बीमा योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों की अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। फसल बीमा योजना के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा बैंक जाकर भी इसका फॉर्म भरा जा सकता है। मैं भुपिंदर सिंह, जिला जालंधर का रहने वाला हूं। मैं छोटा किसान हूं। 5 एकड़ जमीन है। प्रधानमंत्री जी की फसल बीमा योजना चल रही है पूरे भारत में। जैसे पिछले वर्ष बाढ़ आ गई थी और बहुत नुकसान हुआ, उससे पहले भी कनक और धान की फसल पर ओले पड़े थे। बारिश से धान खराब होता है। जिस किसान का बीमा हुआ होगा उसको तो फायदा मिलेगा, नहीं तो छोटी किसानी खत्म हो जाएगी। बड़े जिम्मेदार के पास तो सब कुछ है, लेकिन जो छोटे किसान हैं उनके लिए मुश्किल है। बड़े किसान के पास स्रोत हैं, लेकिन छोटे किसान का खर्चा पूरा नहीं होता, उनके लिए बहुत दिक्कतें हैं। इसलिए सरकार से निवेदन है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पंजाब में भी बहुत ज़रूरी है ताकि छोटी किसानी खत्म होने से बचाई जा सके। शुरुआत में खड़ी फसल ही बीमा योजना में शामिल थी, लेकिन बाद में बुआई पूर्व और कटाई उपरांत जोखिमों को भी इसमें जोड़ दिया गया। बीमा कराने के लिए किसानों को बहुत कम प्रीमियम राशि जमा करनी होती है। रबी के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2% और वार्षिक वाणिज्यिक फसलों के लिए 5%। बाकी रकम जमा करने की जिम्मेदारी सरकार की है। अगर आपने किसी फसल का बीमा कराया है और सूखा या बाढ़ की स्थिति में आकाशीय बिजली, चक्रवात या ओलावृष्टि होने पर या फिर आंधी तूफान की वजह से उस फसल में नुकसान हो गया तो नुकसान की भरपाई के लिए भी आप बीमा कंपनी से भुगतान का दावा कर सकते हैं।
इसके अलावा प्रतिकूल मौसम या कम बारिश की वजह से अगर फसल नहीं बो पाए या बीजों में अंकुरण नहीं हो पाया तब भी आप बीमा भुगतान के हकदार होंगे। इसी तरह कटाई के बाद सुखाने के लिए खेत में रखी फसल अगर ओलावृष्टि, चक्रवात या बेमौसम बारिश या फिर चक्रवाती बरसात से नष्ट हो गई, तब भी भरपाई का दावा किया जा सकता है। शुरुआत से लेकर अब तक 25 करोड़ 18 लाख हेक्टेयर फसलों के लिए 28 करोड़ 99 लाख से अधिक किसानों ने अपनी फसलों का बीमा कराया। किसानों की ओर से 21,510 करोड़ रुपए प्रीमियम के तौर पर जमा हुए, जबकि सरकार पर 1,37,865 करोड़ का भार पड़ा। शुरू से लेकर अब तक 8 करोड़ 33 लाख 30 हजार किसानों को 97,723 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया जा चुका है। दावा भुगतान की दर करीब 90% रही है। इसी के साथ यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की, कहीं मत जाएगा, बने रहे कृषि दर्शन के साथ। छोटा सा ब्रेक। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। इस भाग में हम बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की, जिसमें हम आपको बताते हैं कृषि जगत की तमाम हलचलों के बारे में। तो आइए नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और संघ राज्यों के उपराज्यपालों के बीच एक साझा बैठक का आयोजन किया गया, ताकि संघ राज्यों में कृषि संबंधित योजनाओं और नीतियों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सके। क्या कुछ विशेष रहा इस बैठक में, आई डालते हैं नजर इस रिपोर्ट पर। कोरोना महामारी जैसे संकट भरे दौर में भी भारत ने दुनिया भर में कृषि क्षेत्र में अपनी सफलता का लोहा मनवाया है। इस बीच हमारे किसान भाइयों ने दो गुना मेहनत करके अपने देश में समय पर अन्न की आपूर्ति सुनिश्चित की है, साथ ही विदेशों में भी कृषि जीन्सों का निर्यात करके विशेष रिकॉर्ड कायम किए हैं। हमारे किसान भाइयों के इसी अतुलनीय योगदान के कारण देश का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ऐसी योजनाएं चला रहा है, जिससे खेती किसानी संबंधी कार्य सरलता से संचालित हो सके। इसी संबंध में नई दिल्ली में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अध्यक्षता में संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपालों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में संघ राज्य क्षेत्रों में कृषि के विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है, इसी अनुरूप अनेक ऐसी योजनाएं चलाई जा रही है जिनके बारे में कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। उन्होंने बताया कि 2,926 कृषि का क्षेत्र देश में अर्थव्यवस्था के साथ ही हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसीलिए देश के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कृषि को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयत्न किए जा रहे हैं। इसी के फलस्वरूप अनेक योजनाएं संचालित कर रही है और इनका शत प्रतिशत क्रियान्वयन भी पूरी पारदर्शिता से हो रहा है।
राज्य सरकारों ने और बैंक्स ने प्रधानमंत्री जी के उस अभियान को बहुत गंभीरता से लिया और कोविड काल में ही 2 करोड़ से अधिक किसानों को केसीसी के कवर के नीचे लाया गया और इन 2 करोड़ किसानों को 2,44,000 करोड़ रुपए का ऋण की उपलब्धता हुई। और हमारी कोशिश है कि पीएम किसान के जितने हितग्राही हैं उन सबको केसीसी मिले, मछुआरों को भी केसीसी मिले, पशुपालकों को भी केसीसी मिले, तो ये दायरा भी अब बढ़ गया है और इसलिए ये किसान की सहूलियत के लिए व्यवस्था है। तो इस दृष्टि से अगर हम काम करेंगे तो पीएम किसान और केसीसी ये दोनों योजनाओं का चरम हमारे यूपी में आ जाए, मुझे लगता है इस लक्ष्य को निर्धारित करके हम सब लोगों को थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। एग्री इंफ्रा फंड का विषय भी आज हम सब लोगों के सामने है। आमतौर पर किसान या अन्य क्षेत्र के लोग जब लोन के बारे में बातचीत करते हैं तो ये धारणा बनी हुई है कि कहा तो जाता है लेकिन किसी प्रकार के ऋण की उपलब्धता बैंकों में बहुत चक्कर लगाने के बाद बहुत मुश्किल हो पाती है। कुछ कुछ कारणों से ये धारणा अपनी जगह सही भी है, परेशानियां आती भी है, लेकिन मैं आप सब लोगों को यह आग्रह करना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री जी ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और उसके साथ जो सहायक कामकाज है, चाहे वो पशुपालन का हो, चाहे मछली पालन का हो, चाहे औषधि खेती का हो, चाहे प्रसंस्करण का हो, चाहे मधुमक्खी पालन का हो, औषधि खेती का हो, लगभग 1.5 करोड़ रुपए की उपलब्धता आज हम लोगों के पास है। हाईटेक उछली इस दुनिया में हमारे किसान भी पीछे नहीं है, इसलिए वो स्मार्टफोन और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से कृषि संबंधी तमाम जानकारियां हासिल कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम आपको बताएंगे ऐसी मोबाइल ऐप के बारे में जिसका नाम है फसल बीमा योजना ऐप। कैसे इससे संबंधित तमाम जानकारियां हमारे किसान हासिल कर सकते हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। फसल बीमा मोबाइल ऐप किसानों, राज्यों, बीमा कंपनियों और बैंकों सहित सभी हितधारकों के लिए उपयोगी है। कृषि विभाग सहकारिता और किसान कल्याण द्वारा किसानों के हित में लॉन्च किया गया है। फसल बीमा ऐप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना दोनों बीमा योजनाओं को कवर किया गया। ये ऐप बीमित किसानों को बीमा की किस्त और उसकी कट ऑफ डेट की जानकारी प्रदान करता है। बीमित किसान फसल खराब होने की शिकायत 72 घंटों में फसल बीमा ऐप पर दे सकते हैं। बीमा के साथ साथ किसानों को ऋण और बैंकों के साथ एकीकरण की सुविधा भी प्रदान करता है। मोबाइल ऐप और वेब पर फसल की लोकेशन के जरिए बीमा कंपनी से संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर से क्रॉप इंश्योरेंस यानी फसल बीमा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है, अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshan@gmail.com। अगर आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं, हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमारे YouTube चैनल से ज़रूर जुड़ें। इसके लिए बस करना आपको यह है कि इस QR कोड को स्कैन करें और दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर पाएं हमारे सभी कार्यक्रम। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।